बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी आज अपना 46th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने बहुत ही कम समय में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। जी हाँ दोस्तों, पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में जन्मे पंकज त्रिपाठी को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी। जन्मदिन के खास मौके पर हम आज आपको बताते हैं एक्टर के बारे में कई अनसुनी बातें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टर के कॉलेज के दिनों की। आपको बता दे, पंकज त्रिपाठी अपने कॉलेज के समय में एक सप्ताह के लिए जेल गए थे। जी हाँ दोस्तों, एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो कॉलेज में थे वह राजनीति में काफी एक्टिव थे। आगे बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने बताया कि उस समय के उनके कई ABVP मित्र अब बिहार में विधायक भी बन गए हैं। जब वो जेल गए तो उस दौरान बिहार में राजद कांग्रेस गठबंधन सरकार सत्ता में थी और इस क्षेत्र में वामपंथी दलों दोनों ने मधुबनी में गोलीबारी की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें पुलिस ने छात्रों पर गोलीबारी की थी। पंकज त्रिपाठी ने जेल के अनुभव को याद करते हुए कहा कि हम राजनीतिक कैदी थे, इसीलिए हमें एक अलग बैरक में रखना पड़ा और उस समय क्रिसमस की छुट्टियां थी तो हमें एक सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। बाद में हम जमानत पर बाहर आ गए। वहीं दोस्तों आपको बता दे, पंकज त्रिपाठी बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। आज सभी को पता है एक्टर ने कैसे कड़ी संघर्ष के साथ खुद को कामयाब स्टार बना लिया है। एक्टर को बचपन से ही एक्टिंग में काफी ज्यादा रुचि थी, इसीलिए वह गांव में होने वाले नाटकों में लड़की का किरदार निभाते थे। उनकी एक्टिंग को लोग काफी पसंद भी करते थे। पंकज नाटक में इतना अच्छा करते थे कि लोग उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए खतरा बताते थे, लेकिन जब वह बड़े हो गए तो उन्होंने थिएटर का रुख किया। उनके पिता उन्हें पैसे नहीं देते थे, ऐसे में उन्होंने थिएटर से जुड़े रहने के लिए रात में होटल में काम करना शुरू किया और सुबह वह थिएटर में भाग लेते थे, जिसके बाद उनकी मेहनत ने रंग लाया। बाकी आगे का किस्सा तो आपको अच्छी तरह पता है। आज एक्टर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में देकर फैंस का दिल जीत लिया है। खैर दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।